कर इस हवाले से शेड्यूल जो है वह जारी कर दिया गया है और तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में इम्तहान के शेड्यूल के मुताबिक लिया जाएगा। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन सवालिया पेपर जो है वो फराम करेगा और सवालिया पेपर 6-30 जून तक जारी रहेंगे और नतज का ऐलान जो है वो 10 जुलाई को किया जाएगा। इस हवाले से शेड्यूल जो है वह जारी कर दिया गया है और तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में इम्तहान के शेड्यूल के मुताबिक लिया जाएगा और पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन सवालिया पेपर जो है वो फराम करेगा और सवालिया पेपर 6 नजाम के फराम किए जाएंगे और नतज जो है वह 10 जुलाई को जारी किए जाएंगे। ठीक है जुनेद रियाज, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर समेत पंजाब भर के सरकारी स्कूल्स में 18 जून से इम्तिहान लिया जाएगा। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इम्तिहान लेने के लिए अपने शेड्यूल तैयार कर लिया। मजीद बात करेंगे, जुनेद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। जी जुनेद, बताइए इस हवाले से। जी, पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन के तहत पहली से 8वीं जमात के इम्तिहान का शेड्यूल जारी कर दिया गया। इम्तिहान 18 जून से शुरू होंगे, 30 जून तक जारी रहेंगे और तारीख का ऐलान जो है वो 10 जुलाई को किया जाएगा। इस हवाले से शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया है और तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में इम्तिहान के शेड्यूल के मुताबिक लिया जाएगा। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन सवालिया पेपर जो है वो फराम करेगा और सवालिया पेपर 6-30 जून तक जारी रहेंगे और नतज का ऐलान जो है वो 10 जुलाई को किया जाएगा। इस हवाले से शेड्यूल जो है वह जारी कर दिया गया है और तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में इम्तिहान के शेड्यूल के मुताबिक लिया जाएगा। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन सवालिया पेपर जो है वो फराम करेगा और सवालिया पेपर 6-30 जून तक जारी रहेंगे और नतज का ऐलान जो है वो 10 जुलाई को किया जाएगा। इस हवाले से शेड्यूल जो है वह जारी कर दिया गया है और तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में इम्तिहान के शेड्यूल के मुताबिक लिया जाएगा। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन सवालिया पेपर जो है वो फराम करेगा और सवालिया पेपर 6 नजाम के फराम किए जाएंगे और नतज जो है वह 10 जुलाई को जारी किए जाएंगे। ठीक है जुनेद रियाज, आपका बहुत शुक्रिया।